मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर मसाला। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े प्याज कटे हुए, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 टुकड़ा अदरक, 10 से 12 काजू, 1 छोटी कटोरी टमाटो प्यूरी, 2 बड़े चम्मच मलाई या क्रीम, कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमे 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, धनिया पत्ता और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले, सूखी लाल मिर्च डालकर मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम लहसुन और अदरक और प्याज डालकर कुछ देर मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर, दस बारह काजू, आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ढककर हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। पांच मिनट बाद हम खोलकर चेक करेंगे, टमाटर और प्याज हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। जब तक प्याज और टमाटर ठंडा होता है, हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालकर गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम पनीर डालकर हल्का सा पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर अब हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम पनीर को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने जो टमाटर और प्याज को पीस कर पेस्ट बनाया था, वो इसमें डालेंगे। और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच लाल मिर्च डालकर मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 छोटी कटोरी टमाटो प्यूरी, 2 चम्मच क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब हम इस मसाले को 5 मिनट तक ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम खोलकर चेक करेंगे, मसाला अब अच्छे से भुनकर तैयार है। अब हम इसमें मटर, फ्राई किया हुआ पनीर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ढककर इसे हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट बाद हम खोलकर चेक करेंगे, अब मटर और पनीर अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मिक्स करेंगे। और ढककर इसे हम 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे। 5 मिनट बाद हम खोलकर चेक करेंगे, सब्जी अब अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कर देंगे। और धनिया पत्ता डालकर गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। ये हमारी मटर पनीर मसाला बनकर तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व करें, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।